आज मैं डी एच ए क्वेटा के बैलेटिंग रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ सेक्टर A1, A2, A3 जो कि अर्ली बर्ड के नाम से हैं, इसकी डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ असद अली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द टाइटेनियम ग्रुप। आज मैं डी एच ए की बैलेटिंग के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। अभी राइट नाउ जो इन्होंने बैलेट किया है वो कितने परसेंट फाइल को किया है और रिमेनिंग जो फाइल है उनका क्या स्टेटस है। 30% फाइल को इन्होंने अभी बैलेट किया और बाकी की रिमेनिंग फाइल को इन्होंने बैलेट नहीं किया, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था डीएचए की तरफ से, डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से। इसकी एक वजह यह थी कि अभी अगर ये सारी फाइल्स को बैलेट करते तो इसमें इनको ये होना था कि जो इसकी ट्रेडिंग थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी थी। अभी राइट नाउ इसकी जो 70% जो फाइल्स हैं वो इंशाल्लाह इसकी जनवरी 2024 में इसकी करेंगे बैलेट। इसकी रीज़न अगर तो ये सारी फाइल्स को बैलेट करते तो एक चीज़ की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी थी, इसकी ट्रेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये डिसीज़न लिया था कि अभी इसमें 30% फाइल को ऐड करते हैं। सो देखा जाए तो अगर ये मेरी ओपिनियन के मुताबिक देखें तो अभी नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए ये मार्केट में इन्होंने एक कंट्रोल पैदा करने के लिए, ताकि प्राइसेस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हों, तो ये डिसीजन उनके लिए बेनिफिशियल था। अभी राइट नाउ जो लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है कि वो डीएचए क्वेटा में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बारकोड फाइल जो कि ओपन एफिडेविट फाइल्स हैं, इसके साथ साथ एलोकेशन फाइल्स हैं, इसमें 1 किनाल की कैटेगरी की फाइल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 54 लाख एवरेजली प्राइसेस चल रही हैं, 54 से 52 लाख में भी ट्रेडिंग हो रही है, 56 लाख में भी ट्रेडिंग हो रही है। अगर प्राइसेस के रिलेटेड मैं आपको मोस्ट प्रोमिनेंट करता चलूँ, जो कि इसकी अर्ली बर्ड फाइल थी, इसमें आपको 125 लाख से लेके 130 से मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप कंपेयर करते हैं तो 170 to 180 तक आपकी जो फाइल है इस पर ट्रेडिंग हो रही थी। और बैलेटिंग में अभी इनकी न्यू एंड ओल्ड दोनों एलोकेशन फाइल्स को इन्होंने ऐड किया है बैलेटिंग में। अभी जो इसकी मेजर अपडेट है A6 में, जो कि सेक्टर इसका A6 है, इसमें मोस्टली वो लोग जिन्होंने फुल पेमेंट पे, जिन इन्वेस्टर्स ने फुल पेमेंट पे इन्वेस्टमेंट की थी, उनको बैलेटिंग में जो इसका जो सब सेक्टर है वो सेक्टर A6 है। और जिन लोगों ने पब्लिक बैलेट फाइल में इन्वेस्टमेंट की थी जो कि इंस्टॉलमेंट पे थी, उसको जो उन्होंने बैलेटिंग में ऐड किया वो इसका सब सेक्टर A5 है। द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्शियस थिंग दैट इज़ के इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो लोगों ने कब पे करने हैं, तो मोस्टली जो लोगों की जो क्यूरीज थी वो इसके हवाले से भी थी कि इसकी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो हम कब पे करेंगे। तो अभी तो जून तक इसकी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इन्होंने पोस्टपोन कर दी हैं। जुलाई में आप जो 1 जुलाई में आप इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो आप पे करेंगे। जो सब सेक्टर A5 वाले थे, सबसे पहले तो वो अपनी इंस्टॉलमेंट को क्लियर करेंगे, देन जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो पे करेंगे। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपसे थोड़ा सा मैं रिव्यू करता चलूँ, तो अभी जो इसका जो अर्ली बर्ड वाले जो सेक्टर थे, सेक्टर A1, A2, A3, इसमें अभी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है अभी डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ A10 जो कि 5 मरला की कैटेगरी पे था, इनमें हो रही है। और सेक्टर जो A6 है, इसमें अभी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। अभी रिसेंटली जो मार्केट में डाउनफॉल चल रहा था उसकी जो वजह थी वो ये थी कि ओवरस्पेड इस पर ट्रेडिंग हुई, यानी कि ओवरलोड्स में इन्होंने फाइल सेल की, जिसकी वजह से सेलर बहुत ज़्यादा था और बायर जो था वो बहुत कम था, इसलिए बायर को स्टैंड करना जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। राइट नाउ अभी देखा जाए तो अभी लोगों के पास 1 साल का टाइम फ्रेम है कि वो अभी एक्टिव हो सकते हैं और अभी राइट नाउ इसमें ट्रेडिंग करने का उनको मौका मिलेगा और वो अपना जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उसको सिक्योर कर सकेंगे। इसकी जो दूसरी लॉजिक ये है कि अभी डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से जो ये डिसीजन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो ये है कि अभी इसमें लिमिटेड फाइल्स, लिमिटेड कोटा ऑफ फाइल्स जो है वो इसमें लॉन्च करेंगे और लिमिटेड ट्रेडिंग होगी इसमें, और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो सेलर और बायर होंगे दोनों में एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी, और इसमें साथ ही साथ जो सेलर को बेनिफिट होगा साथ साथ बायर भी इसमें बेनिफिट कर सकेंगे। राइट नाउ अगर मैं पोजेशन के बारे में आपसे डिस्कस करता चलूँ, तो जो कि अर्ली बर्ड जो कि रिसेंटली बैलेट किया था, इन्होंने इसमें पोजेशन जो है वो वेरी सून विद इन दिस ईयर, इसमें करंट ईयर में इसमें पोजेशन मिल जाएगा। अभी जिसमें जिन लोगों ने इसमें बेनिफिट गेन करना है उसमें ये होगा कि आप थोड़ी सी अपनी जो ट्रेडिंग है इसमें होल्ड कर लें, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा होल्ड कर लें।
इसके साथ साथ अभी जो लोग बैलेट में ऐड नहीं हुए या जो लोग चाह रहे हैं कि अपनी बैलेटिंग के रिजल्ट के लिए, तो उसको सिंपल इसका ये होगा कि इनका ये एक पोर्टल होता है जो DHA का, उसमें आपने अपने CNIC की डिटेल शेयर करनी है उनके साथ, इसमें आपकी फाइल की डिटेल शेयर हो जाएंगी। जो लोग तो बैलेटिंग में ऐड होंगे उसकी जो सब सेक्टर होंगे वो इसके साथ प्रोमिनेंट हो जाएंगे, जिसके जो बैलेट में ऐड नहीं होंगे उसकी जो है वो डिटेल जो है वो ब्लैंक होगी, उसको डिटेल फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अभी राइट नाउ देखा जाए जो लोग बैलेट में ऐड नहीं हुए उनको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट सिंपल अपनी एक साल तक जो है वो इन्वेस्टमेंट पे होल्ड करें, और देन जब इसमें बैलेटिंग होगी और इसमें जब वो डेवलपमेंट चार्जेस और इसके साथ साथ इसमें जो पोजेशन होगा, देन वो इसकी चीज़ें जो है वो प्रॉफिट पे आ जाएंगी। देन वो इसमें अगर सेलिंग करते हैं तो सेलिंग पॉइंट के रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा इनको एज हासिल होगा कि वो इन फ्यूचर अपना जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। DHA क्वेटा या आप DHA प्रिज्म 9, DHA लाहौर, DHA के हवाले से आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप एंड ईमो फॉर ओवरसीज क्लाइंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू अल्लाह।